जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आज आप लोग बहुत ही शानदार एक क्यूज प्रतियोगिता होगी। इसमें क्वेश्चन आप किसी भी विभाग में आप जाते हैं, या एनडीए के एग्जाम दे रहे हैं, या ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हैं, या आईएएस के क्यों नहीं एग्जाम में बैठे हैं, बीपीएससी क्यों नहीं, दरोगा क्यों नहीं दे रहे हैं, उन सभी में क्वेश्चन आने वाले। कम से कम आप ये 10 मिनट के वीडियो यदि देख लेते हैं तो आपके जीवन में कम से कम वो 5 से 6 क्वेश्चन आता ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आप लेवल 8 से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन का इसमें चलेगा। देखते हैं बच्चे कहाँ तक जवाब देते हैं और इस बच्चे अपने हद तक कहाँ तक बोलना चाहता है। मैं ये देखना चाहूँगा कि ये बच्चे, ये मैं सबसे पहले आप लोग को बच्चे से दर्शन करा दूँ कि ये बच्चे का नाम क्या है और उसके बाद कौन से क्लास में है, उसके बाद जानिए। तो सबसे पहले मैं अपना अपना सबका इंट्रोडक्शन बताओ कि अपना अपना नाम बता दो। अपना नाम बताओ क्या है? मेरा नाम संजीना खातून। तो आपका नाम? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। और मेरा नाम अभिषेक कुमार। अभिषेक। और आपका? आयुष कुमार। आयुष कुमार। संजना, गुलशन और अभिषेक और आयुष। ये मतलब 4 लड़का है, मतलब 3 लड़का है 1 लड़की है। इन दोनों के चारों के बीच जो टक्कर होगी बहुत ही विशाल क्वेश्चन और बहुत ही हाई लेवल और लो लेवल दोनों प्रकार का क्वेश्चन होगा, जो कि क्वेश्चन अच्छा है और सुनिएगा तो आप लोग भी कहिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है। आप देखिए कहाँ क्या होता है। तो मैं बता दूं कि गुलशन और संजना एक पार्टी में है और इसका नाम क्या है, आयुष और अभिषेक एक पार्टी में है। देखते हैं दोनों के बीच क्या टक्कर होता है या क्वेश्चन कैसे जवाब देना देने में सक्षम होता है। तो मैं इस ये कौन कौन क्लास का है अपना अपना? सब नाइन्थ क्लास का है ना? अच्छा बात है, सब नाइन्थ क्लास का है। अब देखते हैं नाइन्थ क्लास में कितना दम है, दसवां वाला क्वेश्चन, इंटर वाला क्वेश्चन कैसे ये जवाब देता है, ये बच्चे में क्या गुण है, कैसे तैयारी करता है, आप लोग देखते रहिए। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन संजना से करना चाहूंगा कि कैल्शियम संकेत पढ़े हैं, नाइन्थ क्लास में संकेत है, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है? Ca। कैल्शियम का संकेत Ca होता है। परमाणु संख्या जानते हैं आप? बताइए गुलशन क्या होता है आपके पार्टी का? 20 होता है। ठीक, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। इधर से आयुष की इधर से क्वेश्चन है कि 9 × 2 = 11 होना, भाग होना क्या होता है, भाग मतलब क्वेश्चन करते ही उसका आंसर आ जाता है, मतलब कि तैयारी खूब अच्छा से है। ठीक है, अच्छा इधर से क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन मिलते हैं? विटामिन डी। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हतौंधी, मतलब कि अंधापन हो रहा है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दे रहा है बहुत अच्छा। तो मैं क्वेश्चन अब इधर से संजना इधर से पूछना चाहूंगा कि हमारे शरीर में अर्थात मानव शरीर में रक्त रक्त की मात्रा कितना होते लमसम, लगभग 5 से 6। हाँ, 4। चलिए अच्छा ये बताओ क्वेश्चन कि मुख में दांत कितने होते, एक स्वस्थ मनुष्य मुख में दांत कितने होते? 32। दांत कितने प्रकार के होते, प्रकार बता दो? 4 प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते। अच्छा, चारों प्रकार का नाम बता सकता है? 4 प्रकार का दांत होता है बोला, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के दांत के नाम बता दो। चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और कीर्तनक। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया चारों प्रकार के। अब इधर से है क्वेश्चन है ये बताओ कि सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस। वाह कितने अच्छा जवाब दिया, कोपरनिकस। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस। यदि गलत हो आप कमेंट में लिखिए क्वेश्चन गलत है तो उस जगह आपको सुधार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गुलशन की ओर हो रहा है कि सौरमंडल जो है ठीक है, इसमें कितना ग्रह है? ग्रह 8। अच्छा 8 ग्रह। 8 ग्रह का नाम जानते हैं? सबसे 2 ग्रह का नाम बताइए तो। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यही ना? ठीक, अच्छा बात है। इधर से पूछ रहे हैं कि सौरमंडल जो है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अच्छा
ये बताओ सांझ एवं भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र। शुक्र को। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मतलब तो टक्कर जबरदस्त चल रहा है, मतलब एका पर एक क्वेश्चन चल रहा है। लोहा, लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है? 26। हाँ, 26 परमाणु संख्या होता है। ठीक, क्वेश्चन है कि किधर से क्वेश्चन था? से। हाँ, इससे क्वेश्चन है कि लोहा के परमाणु संख्या और संकेत क्या होता है? Fe 26। मतलब कि परमाणु संख्या हो गया, Fe 26 परमाणु संख्या। संकेत क्या होता है? Fe। अच्छा, अब समझना, इधर से क्वेश्चन है गुलशन, इधर से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? साइंस पर है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अच्छा, धारा के संबंधित क्वेश्चन यदि पूछे तो चार को बोल सकता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। अच्छा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक जूल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अच्छा, वो बल, जो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। बहुत अच्छा है, मतलब कि एसआई मात्रक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से कि ये बताओ कार्बन जो होता है, कार्बन का संकेत परमाणु संख्या आप जानते हैं? 9th क्लास में है ना क्वेश्चन, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, क्या होता है कार्बन का संकेत? 6। वाह, बहुत अच्छा जवाब, तो बहुत अच्छा। भैया ये बताओ कि नमक जो होता है, नमक खाते हैं है, उसका सूत्र क्या होता है? मतलब रासायनिक नाम बता दो। NaCl सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaCl राइट, NaCl नमक का सूत्र होता है। चलो सही है, इधर से बताओ तो चीनी का क्या सूत्र? C12H2O11। बहुत अच्छा, वेरू C12H2O11। अच्छा, इधर से ग्लूकोज का, ग्लूकोज होता है, क्वेश्चन जब 10th क्लास में जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या संकेत या सूत्र क्या होता है। तो आप ग्लूकोज के जानेंगे, ग्लूकोज क्या होता है? जो पीते हैं एनर्जी आता है, गर्मी का छुट्टी होता है। C6H12O6। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताओ इतिहास के पिता जानते हैं क्या है? इतिहास के पिता जानते हैं? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। चलिए क्वेश्चन अच्छे, क्वेश्चन का नहीं है। अब ये बताओ कि दांत की, दांत कटी रोटी मुहावरा पर है, दांत कटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती, इधर से क्वेश्चन था, नवल क्वेश्चन ने उधर से बोला है। हाँ, ठीक है। अब ये बताओ जल का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O मतलब कि हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन भी है ना, दोनों मिलकर। अब बालू का क्या होता है? बालू का SiO2। अच्छा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति क्या है अभी? वर्तमान 2022 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या है? कोविंद। अच्छा, सही है। वर्तमान प्रधानमंत्री क्या है अभी? अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताओ लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह को अरुण। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया। ये बताओ कालिदास कवियों में श्रेष्ठ, इसका संस्कृत होता है ना मुहावरा, संस्कृत पूछा था, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ इसका क्या होता है? कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, मतलब कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब महान ना, कालिदास कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, मतलब कालिदास कवियों में श्रेष्ठ। इसी प्रकार कह देगा कि क्या कहते हैं, कोई राइटर का नाम उठा के पूछ देगा तो संस्कृत बना सकता है। चल बहुत अच्छा, ये बताओ कि अब किधर से है मानव खोपड़ी में, जो खोपड़ी है हड्डी कितना था? मानव खोपड़ी में हड्डी कितना होता है? 8। अच्छा, खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। ये जल का पीएच मान की होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना था? 7। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन याद रखने से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की सबसे तंत्रिका कोशिका। अच्छा, विटामिन ए का कथा स्रोत बताओ। विटामिन ए का स्रोत मतलब गाजर, मतलब गाजर खाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की, इधर से फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। ये बताओ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कितने ईस्वी हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसका हार हुआ था? तीनों बताओ क्वेश्चन की, जब हम बीए क्लास में एग्जाम दे रहे थे
तो ये क्वेश्चन आया था फ्रांस की क्रांति के बारे में, विश्लेषण करें उसके बाद कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। चलो ये बताओ, ये बताओ पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके बीच हुआ था, कौन दो शासक के बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 हुआ, किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है, जब पढ़ता इस भी जानता है तो उसका ब्रैकेट जो लिखाता लिखाया गया तो उसको पढ़ना चाहिए, ठीक। आगे क्वेश्चन है, विश्व युद्ध जो हुआ प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 ईस्वी में। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 ईस्वी में। अब यदि क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें घुमा के कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, कितने ईस्वी को, ये क्वेश्चन पूछा गया 1945 ईस्वी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कितने साल तक चला था? चार साल तक। मतलब कह देगा इसी में कि घुमा के यदि क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, 1914 में मतलब 18 में जब बंद गया ऑप्शन आएगा तो 18 मार सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन यदि तैयारी करते हैं उसका पूरा डिटेल के साथ तो क्वेश्चन हमको लगता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें छूटने की कोई चांस ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताएं, कब हुआ था, किसके हार हुआ था, कौन जीता था, और पानीपत के बारे में क्वेश्चन पूछे, ये सब क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये बताओ कि किशोरा अवस्था में दांत कितने प्रकार के होते हैं? किशोरा अवस्था होता है उसमें दांत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार छोड़ो कितने दांत आते हैं? अच्छा, जीवन काल में, अपने जीवन काल में मतलब कि बच्चा से लेकर बूढ़ा, मतलब बचपन से लेकर बचपन तक, अर्थात मतलब कि जीवन काल में दांत कितने आते हैं? 52 दांत आता है, लेकिन कहता है कि वो दांत 32 होता है, लेकिन आता है ना। अच्छा चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज से क्वेश्चन पूछेंगे, व्याकरण से क्वेश्चन जो उठता है प्रत्येक परीक्षा में कि सीताराम, सीता और राम कौन से समास है? द्वंद्व समास, मतलब द्वंद्व समास संबंधित जैसे पूछ लेगा भात दाल लोटा दोरी, कौन सा समास है? द्वंद्व समास यदि पूछ लेगा। अच्छा बताओ कि द्वंद्व समास बता देता है जो संबंध जोड़ता है वही ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे इसी इस पक्ष से कि चतुर्भुज, ठीक है, कौन से समास है चतुर्भुज जिसमें हमने क्या बताए थे इसमें संख्यावाचक हो, तो द्विभु हो जाता है ना, हो जाता है उसके बाद अदर क्वेश्चन में बताए थे। ये बताओ प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? आमाशय में। हाँ, किसमें होता है प्रोटीन का पाचन? आमाशय। डीएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन के। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि समास कितने प्रकार के होते हैं? बताओ तो समास कितने? छह प्रकार के। इधर से कारक कितने प्रकार के? आठ प्रकार के। मतलब व्याकरण से क्वेश्चन आएगा तो तोड़ दीजिएगा ना, छोड़िएगा ना, पकड़ कर तोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितने बनते हैं? मूत्र 1.5 लीटर। अच्छा, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सही बात है। हाँ, शिव पूजन साय का जन्म कब हुआ था? 1873। अच्छा, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं? सभी लोग जानता है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम बता सकता है कोई? इधर से बताओ, स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम? राम परमहंस। अच्छा, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। कितना बड़ा है, गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब गुरु का गुरु। अच्छा, ये सबका गुरु पूछेंगे बता सकता है? अच्छा ये बताओ कि चंद्रगुप्त का गुरु का नाम क्या था? चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो, ठीक है, विष्णु शर्मा, जो भी बोल सकता है। बहुत अच्छा, और गुरु का नाम यदि पूछते बता सकता है? सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, मतलब विश्व सिकंदर था, 21 देशों को जीत कर आ गया था सिकंदर, ठीक है। लास्ट में मेरा भारत जब आया कि पोरस से युद्ध हुआ, उसके बाद पोरस के युद्ध में उसको बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं, दो योद्धा के बीच युद्ध होता है तो घायल तो होता है, ये दोनों योद्धा होता है, जिसका ज्यादा पावर रहता है वो जीत जाता है, जो कम रहता है हार जाता है। उसी प्रकार पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, सिकंदर पोरस, तो पोरस हार गया था, लेकिन क्या हुआ, पोरस उसको पछाड़ दिया था, जिसके कारण वो व्यास नदी के पास आया था। व्यास नदी के पार हो जाता तो समझ सकता है कि मेरा भारत अभी भी गुलाम
रहता। उसके बाद तब अंग्रेज का क्या अंग्रेज का कहते हैं सिकंदर का शासक रहता मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं ठीक है, और ब्यास नदी पार नहीं कर पाया ठीक ना, उसका सेना हार मान लिया कि अब नहीं हमसे होगा, भूखे प्यासे कितने रहेगा, लाखों सेना कितने खिला सकता है, अभी तो क्या कहते हैं भोजन में 500 आदमी खा लेते हैं ना, अखरता है बहुत खा लिया, रोता है रात में कैमरा में जाके बंद करके रोता है, खूब रोता है, भोज खिला दिए बहुत पैसा खर्चा हो गया है। चलो हटाओ जो है फ्रांस, ये बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। हाँ, 5 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चे की दांत कितने? 20। 5 वर्ष से कम वाले बच्चे को 20 होता है? हम तो क्वेश्चन पहली बार जाने थे ठीक है। अच्छा ये बता दांत कितने प्रकार के होते? चार प्रकार के। अच्छा यदि दांत से क्वेश्चन यदि बहुत प्रकार पूछेंगे तो बता सकता है, है? ये बताओ कृतनक दांत जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होता है, इसका मतलब 32 होता है, तो चार प्रकार कृतनक होता है, कृतनक कितने होते हैं दांत? 8। हाँ इसी प्रकार। चलो ये बताओ कि जीव विज्ञान के पितामह कौन कहलाते हैं? अरस्तु को। हाँ अच्छा ये बताओ खास महल कहाँ है? खास महल हाँ आगरा का खास महल आगरा है। अब मोती मस्जिद पूछेगा कि किसने बनाया था, क्या बताएगा? शाहजहां। अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बताओ कि विद्युत धारा जो होता है हाँ उसका ऐसा मात्र पूछे थे क्या होता है, फिर से बता दो तो। एम्पियर। ओहो आर्गन का संकेत की होता है AR। अच्छा 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 तो ये बताओ कि भारत और श्रीलंका के बीच जो क्या कहते हैं अलगा हुआ था, शराब हुआ था, कौन सा था मतलब हुआ था? पाक जल संधि। श्री गणेश करना मतलब क्या होता है? आराम करना। श्री गणेश मतलब सिर का सहलान, मतलब सिर जो होता है सिर जो पर सवार होना मतलब क्या होता है? यदि कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड वो कुछ तक बता सकता है? ये बताओ कि लेट मी ट्राई मतलब क्या आता है? मुझे कोशिश करने दो। यू मे बी नाइट बोलेगा तब क्या, यदि पूछ लेगा कि मेरा परिवार छोटा है इसका इंग्लिश क्या होगा? माय फैमिली इज स्मॉल। अजी कहेगा मेरा परिवार बड़ा है तो माय फैमिली इज बिग। हाँ मतलब एक पक्ष बोलना है, सब नहीं बोलना है कि आई सो ही आई सो बी अगेन मतलब क्या आता है? अगेन मैंने उसे आई सो बी आई सो बी अगेन मैंने उसे फिर से देखा मतलब ये क्वेश्चन जो चलता है तो आप सब जवाब दे सकते हैं ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ कि मानव खोपड़ी में हड्डी कितना होता है? 8। अच्छी अच्छी बात है कि क्वेश्चन बहुत प्रकार का क्वेश्चन मैंने पूछा आप लोग से। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ये बताओ भारत का राजधानी क्या है? नई दिल्ली। आप पूछेगा भारत का राष्ट्रफल? मिठाई। जिलेबी। पक्षी मोर। और पशु बाबा। बिहार के राष्ट्र पशु क्या? बैल। इसी सब याद रखने कॉमन शब्द याद रखना ठीक ना। पूछेगा कि भारत की खोज कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में बताओ। हाँ वास्को डी गामा 1492। अमेरिका पूछ लेगा तो 1492 किसने किया था? कोलंबस ने किया था, मतलब दोनों चला था देश के बाद के लिए आगे। अब ये पूछेगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? उसका पूछा मुद्रा क्या, मुद्रा क्या तब? टाका। क्या कहना? टाका। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। मुद्रा क्या है? रुपया। खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्र खेल हॉकी। हॉकी है, ये सब याद रखना। कहेगा भारत का राष्ट्रीय चक्र क्या है? अशोक चक्र। स्तंभ पूछेगा अशोक चक्र, ये सब क्वेश्चन याद रखना है ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछेगा साइंस पर है E=MC² किसका सिद्धांत है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। अच्छा ओहो ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक HP बराबर क्या होता है? हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक HP बराबर 746 वाट होता है। ये सब क्वेश्चन याद रखना है कि फिजिक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है। यही दुनिया किस देश को कहा जाता है? अमेरिका को। चलो अब 5 क्वेश्चन इधर से 5 क्वेश्चन इधर से पूछेंगे, उसके उत्तर फौरन देना है, एकदम तेजी से, लेट नहीं करना। ये बताओ कि रक्त का पीएच मान 7.4। ये बताओ कि ये पूछ लेगा कि नींबू का पीएच मान? नहीं लिखा है, नहीं पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा बात है नहीं पढ़ा तो वो भी ठीक है, नहीं पढ़ा। ये बताओ कि केमिस्ट्री का इंग्लिश बोल सकता है क्या होता है? CHEMEST क्या बोलो, फिर से बोलो।
चलो जो है ठीक है, याद रखना चाहिए ठीक ना, अच्छा से। अच्छा ये बताओ कि आंख जो होता है इसमें कौन सा लेंस होता है? हाँ, हमारे शरीर में क्या घटी है? 206। वो जो दाढ़ी बनाता है कौन सा दर्पण कराता है? अवतल दर्पण। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन बहुत अच्छे बच्चे सब जवाब दिए, और नेक्स्ट अगले तैयारी पूरा करके आओ। सप्ताह में एक बार आप लोग को मैं इसी प्रकार लेता रहूंगा ठीक है, और तैयारी एकदम पूरे किताब को घिकोर दीजिए, इस कोना से उस कोना लेकर चल जाइए। कहाँ से पूछेगा है, जहाँ से पूछेगा वहाँ से ठोकना है पकड़ के ठीक है। और तो चार्ज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोग ये देखे बच्चे के प्रति जो जो तैयारी हुआ और पूछा गया क्वेश्चन किस प्रकार दिया, यदि अच्छा लगता है आप लोगों को कम से कम लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना दोस्तों को शेयर तो जरूर आप लोग करते हैं, शुरू से आप लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही।